हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आशा और आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है। इसे तैयार करना कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। और इसे मिल्की बार कैंडी भी कह सकती हो या बर्फी भी कह सकती हो। तो उसके लिए हमने ले लिया 1 कटोरी मिल्क पाउडर, उसके साथ आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरी दूध हमने ले लिया, और साथ में ले लिया फ्लेवर के लिए ये रोज़ वाटर है, तो आधा चम्मच हम रोज़ वाटर ले लेंगे और इसके साथ हम 1 चम्मच घी भी ले लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हमने दूध डाल दिया और हम डाल देंगे घी, तो 1 चम्मच घी ही हम डाल देंगे, चम्मच भर कर हमने डाल दिया इसी तरह। और डाल देंगे चीनी पाउडर, तो चीनी के पाउडर भी हमने डाल दी। इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद हम गैस के ऊपर भी चढ़ा देंगे, तो इसी तरह हिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे, और इसके एक अच्छी उबाल जब आ जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो इसी तरह हिलाते रहना है और मिलाते रहना है, चीनी और घी दूध को एक साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाने तक हमें इसी तरह चलाते रहना है। तो इसकी उबाल भी आ रही है, तो उबाल आ गई, तो उबाल आने पर हम उसमें डाल रही हूँ ये मिल्क पाउडर, और हम तुरंत गैस भी बंद कर दिया, और गैस बंद कर ही हम इसी तरह मिला रही हूँ दूध के साथ। और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो इसी तरह बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो हमने मिला लिया और गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दिया, स्लो फ्लेम में ही हम पका रही हूँ, और इसमें हम रोज़ वाटर डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब। तो हमने डाल दिया और इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो थोड़ी देर हम इसी तरह हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे, फ्लेम हम हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नीचे लग जाएंगे, तो हम स्लो मीडियम फ्लेम में ही हम इसे तैयार कर कर ले लेंगे। तो इसे तैयार करना बहुत ही आसान है, हर कोई बहुत ही आसानी से इसे तैयार कर सकती है, और ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मिठाई भी कह सकती हो इसे। और इसी तरह ये तैयार हो रही है और पैन भी छोड़ रही है। तो और फिर हम 2 मिनट के करीब इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे, तो ये अच्छी तरह से पक रही है, तो पैन भी छोड़ रहा है। तो आप चाहे तो 1 चम्मच घी अभी डाल सकती हो, तो हम नहीं डालेंगे, ये बन के तैयार हुए। तो यहाँ पर हम जमाएंगे इस ट्रे में, थोड़ा घी हमने ग्रीस कर लिया और इस मिक्सर को भी हमने डाल दिया, और इसे चम्मच के मदद से इसी तरह लेवल कर ले लिया। और इसमें हम पिस्ता डाल देंगे, तो ऊपर से हमने पिस्ता डाल दिया और इसे हम प्रेस कर कर देंगे इसी तरह। तो इसी तरह हमने प्रेस कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रखेंगे पूरी तरह के लिए। तो उसके पहले हम इसे कट लगा देंगे, और कट लगा कर इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए तब तक इसी तरह रखेंगे, और ये बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गई, और इसे हम इसी तरह प्लेट में निकाल लेंगे। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट कीजिए वीडियो कैसे बनी। और अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुंह में बड़ा सा एक स्माइल लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जब हम नया वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बहुत ही आसानी से देख भी पाए। तो देखिए ये बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुई है, और इसे मुँह में डालते ही ये घुल मिल जाती है, और दिखने में जितना टेस्टी लग रही है खाने में तो इसके जवाब नहीं है। तो आप बनाइए, खाइए और इसकी स्वाद लीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के इजी और सरल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।